हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर के एस चौगले और हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ल्यूपस डिसीज़ के बारे में। तो ल्यूपस एक तरह की बीमारी है और ये एक तरह का एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर की उस पेशेंट का खुद का शरीर इस तरह से एंटीबॉडीज़ बनाता है, जो कि एंटीबॉडीज़ हाइपर एक्टिव होती है और वो एंटीबॉडीज़ उस पेशेंट के खुद के शरीर के जो नॉर्मल हेल्दी टिश्यूज़ है उनको अफेक्ट करती है और उनको डैमेज करती है। तो अब हम बात करेंगे कि ल्यूपस की बीमारी किस वजह से हो सकती है। तो ल्यूपस की बीमारी होने का कोई पर्टिकुलर ऐसा कारण नहीं होता, लेकिन जो भी पॉसिबल कॉजेस हैं जिनकी वजह से ये ल्यूपस हो सकता है, उसके अंदर अगर हम बात करें तो सेल म्यूटेशन, सेल के अंदर जो जीन्स होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन होना, किसी भी तरह के केमिकल्स या फिर वायरसेस, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, स्मोकिंग करना, साथ ही साथ सनलाइट में ज़्यादा समय काम करना, या फिर कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन बहुत ज़्यादा समय तक लगातार लेते रहना, और डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली केमिकल्स से एक्सपोजर होना, तो ये कुछ कारण हैं जिनके वजह से कि उस पेशेंट में ल्यूपस की बीमारी हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे कि ल्यूपस में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात तो ल्यूपस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। थकावट के साथ साथ उस पेशेंट को जॉइंट्स में और मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। साथ ही साथ पेशेंट के पैरों में सूजन होना, आँखों के चारों तरफ सूजन होना, ये भी लक्षण दिखाई देता है। इसी के साथ साथ पेशेंट का वजन कम होने लगता है, पेशेंट की भूख कम होने लगती है, स्किन के ऊपर रैशेस आ सकते हैं, इसके साथ साथ फीवर आ सकता है, मुंह के अंदर अल्सरेशंस बन सकते हैं, साथ साथ पेशेंट को सर दर्द हो सकता है और जॉइंट्स में और मसल्स में दर्द के साथ साथ सूजन भी हो सकती है। अगर वो पेशेंट कभी गहरी सांस लेता है तो गहरी सांस लेते वक्त उस पेशेंट में सीने में दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट के बाल बहुत ज़्यादा गिरना, इसके साथ साथ कुछ आर्थराइटिस के लक्षण दिखना, ये सभी जो लक्षण हैं वो ओवरऑल देखे जा सकते हैं ल्यूपस की बीमारी में। तो अब हम बात करेंगे कि ल्यूपस को डायग्नोस करने के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं इसके बारे में। तो ल्यूपस को डायग्नोस करने के लिए वैसे तो बहुत से टेस्ट होते हैं, उनमें से कुछ टेस्ट के बारे में अभी हम बात करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, इसके बाद एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्ट, इसके बाद एंटी डीएनए एंटीबॉडी टेस्ट, इसके बाद एंटी डीएस डीएनए एंटीबॉडी टेस्ट, ये कुछ टेस्ट हैं। इसके साथ और भी कुछ टेस्ट होते हैं जो कि एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट करते हैं, तो ये टेस्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट की इमेजिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरे किया जा सकता है, पेशेंट का यूरिन भी चेक किया जाता है, यूरिन टेस्ट की जाती है। इसके साथ साथ और एक महत्वपूर्ण टेस्ट जो कि कर सकते हैं वो होती है टिश्यू बायोप्सी। जो भी उस पेशेंट के अफेक्ट टिश्यूज़ है उन टिश्यूज़ को लेकर के उनको लैब में बायोप्सी के लिए भी भेजा जा सकता है। तो ये कुछ टेस्ट है जिनके कारण कि जिनको जिनकी हेल्प लेकर के हम उस पेशेंट के ल्यूपस की बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ल्यूपस की बीमारी को ट्रीट किस तरह से किया जाता है, ल्यूपस की ट्रीटमेंट क्या होती है। ल्यूपस की बीमारी में सबसे पहला महत्वपूर्ण एक कंसर्न होता है, वो होता है कि उस पेशेंट का दर्द और सूजन, पेन और स्वेलिंग को कम करना, ये सबसे पहली बात करनी पड़ती है। तो उसके लिए उस पेशेंट को इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले और पेंस को कम करने वाले मेडिसिन देने पड़ते हैं, जैसे कि टैबलेट जेरेडॉल एसपी भी दे सकते हैं, जिसके अंदर डाइक्लोफेनेक, पैरासिटामोल और सेरेट्रोपिडेज, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है उस पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर आइबुप्रोफेन भी दे सकते हैं। इसके बाद हम उस पेशेंट की इम्यूनिटी को रेगुलेट करने वाले भी कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। इसके अंदर हम उस पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट में किसी पर्टिकुलर हार्मोन की हाइपर एक्टिविटी या फिर हाइपो एक्टिविटी दिखाई दे रही है तो उस पेशेंट के हार्मोन्स को रेगुलेट किया जाता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में किसी पर्टिकुलर जॉइंट या फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज जो हो सकता है ल्यूपस की वजह से, उस डैमेज को कम से कम करने के लिए या फिर रोकने के लिए जो भी मेडिसिन देने पड़ती है उस तरह की मेडिसिन भी इस कंडीशन में दे सकते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दोनों कंट्रोल में रखना है, और अगर इस तरह के पेशेंट में और भी कोई एसोसिएटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस है तो उस पेशेंट को बाकी के जो इन्फेक्शन हो सकते हैं उन इन्फेक्शन से बचाना है। तो उन इन्फेक्शन से बचाने के लिए उस पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़ती है तो कुछ एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन कौन से पेशेंट को देनी है और कौन से पेशेंट को नहीं देनी है, ये उस पेशेंट की फिजिकल कंडीशन, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, उनका ड्यूरेशन, उनकी सीवियरिटी, इन सब बातों पर निर्भर करता है। इसके बाद ल्यूपस के पेशेंट को कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने हैं, जैसे कि पेशेंट को जहाँ पर भी, जैसे कि जॉइंट पे या फिर मसल में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, तो वो पेशेंट उस जगह पे कोल्ड एप्लीकेशन या फिर हॉट एप्लीकेशन भी ज़रूरत के अनुसार कर सकता है। इसके साथ उस पेशेंट को रिलैक्सेशन, मतलब रिलैक्स करना है, साथ ही साथ मेडिटेशन कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके बाद उस पेशेंट को डायरेक्टली सनलाइट में नहीं जाना है, मतलब सनलाइट को अवॉइड करना है। उसी के साथ साथ उस पेशेंट को स्ट्रेस भी नहीं लेना है, स्ट्रेस को भी अवॉइड करना है। तो आज हमने इस वीडियो में बात की ल्यूपस की बीमारी के बारे में। तो अगर आपके इस विषय में कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को आंसर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो से कोई अच्छी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।